दोस्तों आज की कहानी है बुआ जी जा समान नहीं वा ज्ञानों की समक भी फीकी है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कितने कम गहने सडाए हैं नीना के ससुराल वालों ने, बारी भी नहीं है। हाथों से गहनों को तोलती हुई नीना की बुआ श्यामा जी बोली, जीजी हर किसी के बस में नहीं महंगे गहने सडाना। सासी निधि श्यामा जी की बात का समर्थन करते हुए बोली, अपनी बेटी आशा की शादी मैंने कितनी बड़े घर में की है, देखा ही होगा तुमने, हर वक्त गहनों से सजी रहती हैं। नीना के लिए भी बहुत अच्छा रिश्ता लाई थी, मेरी बात मान ली होती तो आज सगाई में इतने गहने सड़ते कि वह ऊपर से नीचे तक गहने से लद जाती। बस एक ही शर्त थी उनकी कि बहू नौकरी नहीं करेगी। और क्या जीजी, जब घर में सब सुख सुविधा है तो नौकरी का क्या करना। जीजी बात पैसों के कम ज़्यादा की नहीं है, बात आत्म सम्मान की है। गहनों का क्या, आजकल सोने की सीजी पहनता भी कौन है। नीनी की मम्मी सुरेखा बास खत्म होने की गरज से बोली, कुछ समय बाद नीना की शादी किशोर से हो गई। नीना समझदार और संस्कारी थी ही, जल्दी सभी के साथ घुल मिल गई। नीना की शादी के 6 महीने बाद सासी निधि के बेटे की शादी भी तय हो गई। नीना बहुत खुश थी कि सभी परिवार वालों से मिलाना हो जाएगा। बेटा तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे घर में पहली शादी है, जी भर कर शॉपिंग करना, कोई कमी मत रखना, आखिर तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, नीना की सासू जी ने कहा। लेकिन नीना जानती थी कि वह एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकती क्योंकि उसके ससुर जी नहीं थे और घर खर्च और छोटे भाई बहन को पढ़ाने की जिम्मेदारी उसके पति के कंधों पर थी। मम्मी जी कुछ महीनों पहले ही मेरी शादी हुई है, मेरे पास शादी की बहुत साड़ियां हैं जो मैंने अभी पहनी भी नहीं, उन्हीं में से कोई पहन लूँगी। नीना मायके आकर बहुत खुश थी, आशा भी आई हुई थी। आशा हर समय भारी गहन और साड़ी से सज धज कर नुमाइश की तरह रहती थी, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। हर वक्त उसके चेहरे पर किसी तरह का दबाव नजर आता। वही नीना सिंपल ही रहती पर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान थी, हर काम में आगे रहती। सही मेहमानों का स्वागत हो या घर का काम, उसका पति किशोर भी सबसे घुल मिल गया था। नीना काम करके थक गई थी इसलिए कुर्सी पर आकर बैठ गई, उसको यूं अकेला बैठा देख श्यामा जी उसके पास आई। नीना आशा के गहने और साड़ी देखी, कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल लक्ष्मी जी का रूप लग रही है आशा। लेकिन बेटा मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा, तूने सिर्फ एक मंगल सूत्र और हल्का सा हार डाला है। तू हंसी मुस्कुराती काम कर रही पर फिर भी तेरे हंसते हुए चेहरे के पीछे की तकलीफ नजर आ रही है। माँ की तरफ प्यार किया है तुझे इसलिए बुरा लग रहा है। बुआ जी आपने मेरा चेहरा तो पढ़ लिया, पर क्या आपने अपनी बेटी का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। महंगी ज्वेलरी और भारी भरकम साड़ियाँ होने के बाद भी उनके चेहरे पर उदासी क्यों है, क्योंकि आपका दामन अपनी पत्नी को खुश नहीं समझता। कई बार मैंने मेहमानों से भरे घर में जीजाजी को दीदी पर नाराज होते देखा, दीदी हर वक्त सहमी सहमी सी रहती हैं। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में रहने से अच्छा है जितना है उसमें खुश रहो। बुआ जी आज मेरे पास ऐसा आराम की भले ही कमी हो पर मेरा परिवार और किशोर मुझे बहुत सम्मान देते। सासू माँ अपनी बेटी बना कर रखती हैं और देवर और ननन बड़ी बहन का आदर देते। मेरी एक आवाज़ पर जी भाभी कहते हुए दौड़े आते और आपके दामन ने कभी उसी आवाज़ में बात तक नहीं की। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ क्योंकि बुआ जी औरत को महंगे तोहफे नहीं
मान सम्मान सही होता, जा समान नहीं वा गहनों की समक भी फीकी हैं। बुआ जी को अपनी गलती का एहसास हो गया तो वह इधर उधर नजरें सुराने लगी। तभी उनकी नज़र बेटी और दामान पर पड़ी। उनके दामान आशा को शायद किसी बात पर डांट रहे थे और आशा नजरें निसी के सब साफ सुन रही थी। बेटा सच कहा तुमने, औरत का सरकार उसके पति का दिया मान होता है। जिसकी समक से उनके चेहरे पर नूर आ जाता है, ऐसा नूर तो मैंने कभी आशा के चेहरे पर देखा ही नहीं। शुक्र है भगवान का, मेरे हाथों से एक और गलती होते होते रह गई। खुशी के साथ साथ दुख के मिर्षित भाव उनके चेहरे पर जा रहे थे।